हेलो वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉय विद जुनेद के साथ आप लोगों को बहुत खुश आमदेद कहता हूँ आज हम लोगों की जो वीडियो है ये जो आपके मीटर के अंदर जो डिजिटल यानी जो नंबर्स वाले स्पीडोमीटर है ये जो मैनुअल चलते हैं गाड़ी के साथ ठीक है इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा थोड़ा सा और एक मेरे बड़े अच्छे भाई ने एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि ये नंबरिंग स्टक हो गई है चल नहीं रही तो क्या वजूहत है और ये क्यों स्टक हो जाती है तो मैं आज आप लोगों को इस बारे में वीडियो बना के दूंगा सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लूंगा ओपन हर एक वीडियो में मैंने किया हुआ है वो मैं ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता अपना तो मैं इसको जल्दी से ओपन करके मीटर को बाहर ले आऊंगा डिजिट्स को बता दूंगा आपको तो उसके बाद क्या करना है आइए देखते हैं और मेरे साथ जुड़े रहें ठीक है जी अच्छा तो मैंने मीटर खोल लिया है ठीक है जिस भाई के लिए मैं ये बना रहा हूँ बाकी किसी का और कभी मसला हो तो उसके उसको भी पता लग जाएगा ठीक है तो मीटर को हम कैसे इस डिजिटल जो ये है मीटर इसको हमने कैसे करना है ठीक है तो सबसे पहले आपने मीटर खोल लेना है उसके बाद आपने इसको मीटर को लाइट वाले मीटर को निकाल लेना है ठीक है तो हम जो हैं लाइट वाले मीटर को जब निकालेंगे तो, निक सेकेंड सॉरी ये हमने पिन निकाल ली ठीक है पिन निकाल के हम लोगों ने इसको ऐसे बाहर निकाल लेना है ठीक है यहाँ पे एक ग्रिप होता है इसका यानी क्लिप होता है जो लाइट प्रोवाइड करता है ठीक है तो आपने इसको ऐसे निकाल लेना है ठीक है तो अब ये आ गया मीटर ठीक है अब हम खोल तो सकते हैं ठीक है मगर मुझे अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे खोलने की जरूरत पड़ेगी मगर मैं फिर भी पूरी कोशिश करता हूं कि मैं ये खोल के दिखा दूं कि ये क्यों नहीं चलता ठीक है जी तो खैर मेरा तो चलता है ठीक है इसकी थोड़ी सी सफाई भी हम कर लेंगे यहाँ से और ये क्यों थोड़ा सा टेढ़ा है इसको भी हम ठीक कर लेंगे और दूसरी बात यह कि ये क्यों जैम हो जाता है क्यों स्टक हो जाता है क्यों नहीं चलता वो भी ठीक है जी तो वाले मीटर के पीछे एक छोटा सा ग्रिप लगा होता है जो मीटर को प्रोवाइड करता है करंट वगैरह ठीक है और एक लगा होता है जो आपकी स्पीड वाली पिन के साथ लगा होता है ठीक है जो आप जब गाड़ी चलाते हैं तो जिससे आपकी स्पीड की जो नीडल है वो मतलब आपको शो करती है स्पीड लेवल ठीक है तो हमने इसका ग्रिप कैसे निकालना है यहाँ से नीचे से आप हाथ डालेंगे यानी इस तरफ से हाथ डालेंगे पीछे एक ग्रिप पीछे एक ग्रिप लगा हुआ है ठीक है ये ये ग्रिप मैंने निकाल दिया लाइक ये वाला ग्रिप ये ठीक है ये ग्रिप ये ग्रिप मैंने बड़ा इजीली लगता है आसान है इसको लगाना ठीक है ये मैंने निकाल दिया ठीक है और अभी हम इसको मीटर को कैसे निकालेंगे आप बाहर निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली उस तार में से वो निकल आएगा मगर उसको लगाना थोड़ा मुश्किल है वो अंदर हाथ डाल के लग जाता है ठीक है तो मैं निकाल लेता हूँ वीडियो थोड़ी पास करूंगा अच्छा जी तो मैंने वो ग्रिप भी निकाल दिया इसके पीछे वो स्पीड वाली नीडल जो नीडल को चलाता है वो भी निकाल दिया अब आप इसको निकालेंगे कैसे ये बाहर यहाँ पेज लगा होता है मेरी तरफ तो पेज लगा हुआ है कैसे निकलेगा इसको आप थोड़ा सा नीचे करेंगे ठीक है तो ये नीचे करके ऐसे बाहर आ जाएगा जैसे बाहर आएगा तो यहां पे ये ग्रिप लगा हुआ है इस ग्रिप को आप इस क्लिप को आप प्रेस करेंगे यूं आप प्रेस करेंगे इसको और ये निकल आएगा बाहर ये निकल आया ठीक है तो अब हमारा मीटर हो गया बिल्कुल फ्री तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे ऐसे ठीक है अभी भी एक तार जो ज्वाइंट है वो मेरी उसमें तार ज्वाइंट है लिहाजा मैं ऐसे ही बना के दिखाऊंगा क्योंकि वो मैंने पीछे से ग्रिप किया हुआ नहीं है उसको मैंने जोड़ा हुआ है तो अभी आपको मैं आगे बताता हूँ तो मैंने मीटर खोल लिया है ठीक है तो ये दो तारें लगी हुई हैं दो तारें जो हैं टेपिंग हुई हुई है इसलिए मैं मीटर पूरा बाहर नहीं निकाल सकता हमने ये दो पेज खोलने हैं ठीक है ये दो पेज खोलेंगे तो ये हमारा बाहर आ जाएगा ठीक है पेजों के लिए आपको खोलने के लिए एक छोटा सा ऐसा पेचकस चाहिए ये डबल साइड पेचकस है इसको हम निकाल के चोरस लगा लेंगे तो फिर ये वाला पेचकस देखें इससे ये पेज खुलेंगे अगर आपने कभी भी खोलना हो मीटर को तो ये देखें इस पेज पे बिल्कुल फिट आता है ठीक है तो आपको छोटा इस किस्म का टेस्टर लेना है लिहाजा इसको मैं खोल लेता हूँ क्योंकि मेरा हाथ फ्री नहीं है तो ये गिर सकता है टूट सकता है मुझसे तो इसलिए मैं अपने ठीक मीटर को मेरे भाइयों अपनी ठीक गाड़ी को अपने ठीक मीटर को मैं आप लोगों के लिए खोलता हूँ ठीक है मेरा मीटर बिल्कुल परफेक्ट है सिर्फ उसमें सफाई करनी थी मुझे मैं वो भी कर लूंगा और मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो ये इसके छोटे मैंने पेज खोल लिए हैं इस तरह वॉशल इसके साथ लगी रहती है वो आप वॉशल कोशिश करें कि आपसे घूमे नहीं क्योंकि वो उसको टाइट करता है उसी के नाप पे बना हुआ है ये अच्छा जी तो ये जो है मीटर मैंने निकाल लिया बड़ा इजीली आपको बताया पीछे से पेज खोल लो और ये जो स्पीडोमीटर की जो नीडल की जो वो सुई होती है उसकी तार निकाल लो ये दो पेज खोल लो तो ये बाहर आ जाता है ठीक है तो अब इसको हमने कैसे ठीक करना है मैं आपको बताता देखिए सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए ठीक है अच्छे से आप इसको साफ कर लीजिए और अपना आपको मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप सबसे पहले जी तो बात हो रही थी इसको ठीक करने के ऊपर कि ये कैसे ठीक होता है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब आप इसको खोल लेते हैं तो कोशिश करें कि इसको इसके अंदर आप जो है इसको गरारी से बाहर ना निकालें अगर गरारी से बाहर निकाल दी तो इसकी टाइमिंग आउट हो सकती है जिसकी वजह से आपको ये ठीक तो हो जाएगा मगर उसकी टाइमिंग गलत हो जाएगी वो चलेगा नहीं तो बात ये थी कि ये स्टक हो चुका है ठीक है तो देखिए स्टक होने का मतलब ये है कि ये अंदर बहुत गंदा हो चुका है ठीक है इस गंदे को गंदगी को हमने साफ़ करना है अच्छे से और फिर इसको ठीक करने के लिए हम लोग लगाएंगे इसकी गरारियों में ग्रीस यानी यानी ये देखें जी मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया थोड़ा वाइट पे लेके आया हूँ ये देखें जी मीटर के जो अंदर है यहाँ पे जो गरारियाँ हैं ठीक है इस गरारियों को हमने साफ करना है साफ़ करने के बाद हम इसमें ऑयल या ग्रीस लगाएंगे ग्रीस लगा लें ज्यादा बेहतर है ऑयल गाड़ी में नहीं होता और ग्रीस जो है ग्रीस पड़ी होती है अक्सर तो यहाँ पे हम लोग ग्रीस लगाएंगे इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे और इसके अंदर जो ये वाली गरारी है जो मोटर को चलाती है यानी मोटर चलती है तो ये गरारियाँ है चलती हैं तब जाके नंबरिंग होती है ठीक है तो हम इसको चलाएंगे तो इसके लिए हम लोगों ने इसमें ग्रीस लगानी है ठीक है तो पहले हम इसको साफ करेंगे अच्छी तरीके से देखते इसको ठीक है तो आपने इस तरह का टिश्यू लेना है ठीक है टिश्यू से आपने इसकी सफाई करनी है ठीक है ये देखें, इस तरह इसको साफ करें अच्छे से ताकि ये साफ हो जाए ठीक है नंबरिंग काफी गंदी हुई हुई है नजर नहीं आता मीटर में बास टाइम नजर नहीं आता आप अगर कोई पिक्चर लेते हैं या अगर अपनी गाड़ी को चेक करने के लिए जब आप ऑयल चेंज करते हैं देखें कितना अच्छा साफ हो गया है, ठीक है तो इसको आप अच्छे से साफ कर लें गरारियों में मार लें ठीक है ये मोटर है ये जो आपको इसमें आप इसको उल्टा कर लें इसको उल्टा करके साफ कर लें, ये जो है इसको आपने साफ कर लेना है तो इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं, जी ठीक है देखें अब इस जगह पे टिश्यू पेपर नहीं जा रहा था उसका बड़ा आसान हल है मैं आपको बताता हूँ आपने इस तरह का एक टिश्यू ले लेना है छोटा सा ठीक है बारीक सा बारीक सा टिश्यू ले लेना है और आपने इसको ऐसे इस लिहाजा है। है। ये आपका लपेटा गया ठीक है और अब आप इसकी मदद से आप आराम से इतनी सफाई कर सकते हैं देखें आप इसकी मदद से इसको आराम से साफ कर सकते हैं आपका मीटर बिल्कुल साफ हो जाएगा यानी जो डिजिट वाला मैनुअल सिस्टम होता है ये बिल्कुल साफ हो जाएगा गन चेक करें कितना ज्यादा गंद है ठीक है आप लोगों का भाई आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकालता है और इस आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो जो वेरी वीडियो होती है और लिहाजा इसको हम फेंक देते हैं इसको नया ले लेते हैं इस तरह का टिश्यू ले लें बल्कि ले ले इसको हम निकाल लेते हैं ठीक है इसको हम इसके समेत इसको लपेट लेते हैं तो फिर इसके ऊपर हम लोग ऐसे सफाई तो इसको हम लोगों ने साफ कर लेना है ठीक है ये देखें जी अंदर अच्छे तरीके से जा रहा है ठीक है इसकी सफाई कर लें मीटर की साफ ये जी हमने साफ कर लिया अच्छे से अभी देखें कितना प्यारा हो गया मैं अभी आपको सही बताता हूं मैंने कैमरा यहां होल्ड किया हुआ है ये जो जैम हो जाता है ना इन्हीं वजह से हो जाता है कि गरारियां सूख जाती हैं धूल आ जाती है डस्ट पड़ जाती है इतनी कि वो जैम हो जाता है तो उसको हम लोगों ने देखें अभी हमने इसको भी सफाई कर ली सारी देखें भाई कितना गंद होता है इसके अंदर ठीक है इसी बहाने मैंने भी सफाई कर ली मैंने इसको अंदर से कभी खोल के सफाई नहीं की थी तो लिहाजा हमने कहा चलो भाई के लिए फिर एक अच्छी सी वीडियो बनाएं कि कितना वो अप्रीशियेट करें और दुआ दें हमें हमें सिर्फ दुआ चाहिए ठीक है जी अभी हम इसको ऐसे कर लेते हैं सबसे अच्छा हाल एक और भी है आपके पास WD 40 होता है ठीक है और WD 40 नहीं है तो आप अपने साथ WD 40 फोर्टी लाजमी रखे क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया WD 40 बहुत जरूरी चीज है मेरे भाइयों गाड़ी में होनी बहुत जरूरी है मैं अभी निकालता हूँ तो ये WD 40 हम लोगों ने निकाला ठीक है और अब हमने इसको जल्दी से स्प्रे करना है अगर आप ग्रीस नहीं भी लगाते ग्रीस नहीं भी है तो डब्ल्यू डी फोर्टी जिंदाबाद डब्ल्यू डी फोर्टी आप लगाएं ठीक है तो ये चीज जो है आपने इस तरह इसको स्प्रे कर देना है यहां पर यानी ये गरारियाँ हैं ना इस गरारियों पर देखें ये ये देखें जी ये गरारियाँ पे मैंने डाल दिया ठीक है यहां डाल दिया आपने ये प्लास्टिक की जो गरारी नहीं है जो इसको चलाती है इसके ऊपर भी डालें आप लाजमी अच्छा जब ये डालेंगे यूं करके ठीक है तो इससे यह होगा कि आपकी ये गाड़ी को स्टक नहीं होगा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये अंदर आप देख रहे हैं जो चीज घूम रही है ठीक है आप ये देख रहे ना ये इधर लाजमी डालें इसके अंदर आपने लाजमी डालना है क्योंकि यही मोटर है और वो जब गाड़ी चलती है बल्कि मोटर ये नहीं है एक किस्म की मोटर तो बनी हुई है ये ठीक है ये मैनुअल मोटर है ये जब आपकी गाड़ी चलती है ना तो गाड़ी के साथ ये आपका मीटर चलता है लाइक देखें अभी मैं इसको चला रहा हूं ना ठीक है ये देखें अभी थोड़ा सा जैम जैम लग रहा है ठीक है तो लिहाजा आप इसके अंदर इसको डालो ये मैंने डाल दिया ठीक है ये गरारी में भी आ गया ये इस साइड पे भी आ गया ठीक है और इस गरारी में भी आ गया सॉरी ठीक है तो ये इस गरारी में भी आ गया इधर भी आ गया ठीक है ज़्यादा स्पीड में नहीं करना क्योंकि बहुत प्रेशर है तो वो प्रेशर से निकलेगा आप हल्का हल्का मतलब करें कि ड्रॉप्स के समीज में वो निकले ठीक है ये देखें जी मैंने इसमें डाल दिया ठीक है ये आपका अभी इसको ऐसे फूक मारे देखे ठीक है ये हमने कर लिया साफ अच्छे से ठीक हो गया जी ये हमने कर लिया साफ इसको अच्छे से आपने कर लिया ये भी नरम हो गया वाह यार काफी बहुत ज्यादा नरम हो गया यानी ये जब अंदर तार जाती है वो करंट टायरों के साथ जब उसका सेक्शन जो चलता है स्पीड चलता है तो ये मोटर घूमती है जब ये मोटर घूमती है तो ये गरारियां चलती हैं गरारियों के साथ जब ये गरारियों के साथ आप इसको यूं गरारी के साथ आपके डिजिट्स चलते हैं ठीक है ये डिजिट्स चलते हैं तो ये आप... अच्छा जी तो मेरे भाइयों देखें जी अच्छे से मैंने इसकी सफाई कर ली है ठीक है जो थोड़ा बहुत गंद होता है उसको भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया ठीक है, है और आप देख सकते हैं ये वही मीटर है जो मैंने आप लोगों के सामने खोला है और अब डिजिट्स ऐसे शाइन मार रहे हैं ठीक है तो आपके सामने मैंने ये सारी सफाई कर ली है और आपके भाई ने देखे पूरा पूरी दुकान खोली हुई है गाड़ी के अंदर ही बैठ के मैं सारे काम करता हूँ देखें पूरा मीटर मैंने खोला हुआ है और आपके भाइयों ने सिर्फ आपकी खातिर अपने ठीक मीटर को खोला हुआ है ये देखे मेरे भाई ठीक है तो ये देखिए जी ये आपके सामने सारी सफाई हो गई है ठीक है काम करो तो पूरा करो वरना मत करो ठीक है तो जहां जहां इसमें गर्द था वो भी अंदर से साफ कर लिया सारा बता दिया और स्प्रे भी मैंने आपको बता दी ठीक है तो ये अब हम इसमें आपके सामने है माशाल्लाह कैसे शाइन मार रहा है ये आपका मैनुअल डिजिटल मीटर जो है ठीक है जो कि आपके स्पीड से यानी आपके गाड़ी चलाने से घूमता है एक छोटी सी एक और इसी इसी वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन देता हूं मैं ये देखें इसके अंदर जो आपकी वायर लगती है यानी वो वायर नॉर्मल नहीं होती वो अच्छी मोटी वायर होती है जो कि आपके इस मोटर को घुमाती है यानी वो ब्रेक की तार की तरह होती है सख्त तार ठीक है जी वायर ठीक है तो इसके अंदर जो है वो बहुत गंद हो जाता है इस साइड पे साइड पे भी हो जाता है जिसकी वजह से ये जाम हो जाती है जब ये जाम हो जाती है तो ये मीटर जो है आपका नहीं चलता यानी ये डिजिट इसको आपने क्या करना है इसको भी उसी तरीके से ठीक है टिश्यू की मदद से और पिचकस की मदद से आप साफ करेंगे ठीक है मैं आपको हाथ से पहले बता देता हूं फिर मैं कैमरा रख के साफ कर लूंगा क्योंकि एक हाथ से इसको आप हल्का सा पतला सा वो करेंगे ठीक है और इसके अंदर आपने ऐसे गोल करके सफाई करनी है ठीक है और इसके अंदर भी हल्का सा आपने सफाई करनी है मगर इसके अंदर आपने डब्ल्यू मारना है ठीक है देखे मैं आपके सामने ये देखें ये मैंने डब्ल्यू कर दिया ठीक है ये आपके सामने कर दिया मैंने ठीक है इससे ये होगा कि इसके अंदर जो जाले माले बने हुए हैं बिल्कुल जो गर्द होती है वो इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा नरम हो जाएगा ताकि आपका स्पीड की जो मीटर की जो आ, स्पीडो मीटर की जो वो होती है नीडल वो बड़ी अच्छे तरीके से चलेगी ठीक है ये आपकी नीडल की है देखें ये आपके नीडल की है ठीक है ये जो आगे फ्रंट पे दिखा रहा हूँ ये नीडल की है ठीक है नीडल के अंदर से जो ये उसको चलाती है और इसी के अंदर से जो स्प्रिंग साथ लगा हुआ है तो ये इस मोटर को चलाती है तब आपका ये डिजिटल मीटर चलता ठीक है सारा मैं बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ जाओ तो मैंने इसको साफ कर लिया अब इसको हम हल्के से ऐसे फूंक मारेंगे आपने देखा मैंने इसको हल्के से इसको फूंक मारा और इसके अंदर से सारे जो गर्त है वो साफ हो गया और इसमें देखें बिल्कुल नरम हो गया है आपके सामने देखें बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको साफ कर दिया अब हम इसको कर लेंगे फिट फिट करके मैं आपको बताऊंगा तो ये इनशाला जब आपकी गाड़ी चलेगी तो ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा ठीक है तो जी मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है कि इस जगह पे स्प्रे वगैरह करें सफाई करें और आपकी हर चीज मैंने बेहतरीन इस वीडियो में बता दिया है ठीक है और ऐसे जो भी वीडियो हो जरूर मुझे बताएं और जिस बंदे के लिए बनाई है उसके लिए भी बन गई और ये देखें जी अब मैंने आपको एक डैमो दिखा दिया जो आपके नंबर कितने सही नजर आ रहे हैं ठीक है मीटर भी ठीक हो गया सीधा भी हो गया सफाई भी होगी और जो स्टक सिस्टम होता है वो भी मैंने आपको बता दिया जिन भाई की गाड़ी में मसला करा था उनके लिए मैंने आपको अच्छी सी देखें कितना साफ सुथरा आपको नजर आ रहा है बिल्कुल हो के आपको आ, नंबर्स नजर आ रहे हैं और अभी आप देखें ये मैंने पैक भी कर दिया इसको अभी ये देखें आपको फुल पैक करके दिखाता हूं मैं आप अब लाइट ऑन करके आपको दिखाता हूं ये देखें बहुत अच्छे से बहुत ही विजिबल होके नजर आ रहा है और होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी दो में याद रखें और इनशाला मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच अल्लाह